खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। श्रीनगर मेरा नाम मेरे नंदा मेरे को टॉर्चर करे थे तो मैं कंप्लेंट लिखाई थी। अरशद अली साहब बुलाने लगा सुबह में बुलाने लगा के पूछे, दो तरफ की बात नहीं कर रहे, हमारे से लैंग्वेज सिंधी नहीं कर रहे, जो आया मुको बोल दे रहे हम लोगों को। और मेरे बात से पहले मेरे हस्बैंड को बोल रहे अंदर डालो बोल रहे, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे डर के रो रहे। अब मेरे हस्बैंड मेरे को देखा नहीं गया, उनको बर्दाश्त नहीं करके उन्होंने क्या करे घर को लेके आ लिए, बेइज्जती बहुत हो रही मेरी बीवी की, बोल के घर को ला लिए। घर को ला के कुछ तो भी कर लेंगे अपन, गैस से तेल डाल के जला लेंगे बोल के बोले, 8 दिन में घर खाली कर देंगे बोल के बोल रहे, 8 दिन में घर खाली करो बोल के बोल रहे। सही साहब कैसे 8 दिन में खाली करते, मैं प्रेगनेंट हूँ, मैं 6 महीने प्रेगनेंट हूँ, मैं 8 दिन में खाली कर दो बोल रहे मेरे को। मैं खाली करके कहाँ जाऊँ, मैं जाति घर है उनका बोल के मैं घर में छूँ, मैं पकड़ लेके 8 साल से मैं वहीं छूँ शादी करे जब से। अब मेरे हस्बैंड को बातें कर रहे घर खाली कर, 8 दिन में सामान उठा देना वो कर देना बोल रहे, बात सीधी नहीं कर रहे, उनको बर्दाश्त नहीं आके मेरे को नाके से ले लेके आ गए, आके घर में बच्चों को ले लेके मेरे को लेके गैस का तेल डाल के जला दे रहे थे। फिर बस्ती वाले बचा लिए, आजू बाजू के बचा लेके घर पर हमारे अम्मी के ला के यहाँ पर छोड़े। मैं फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं गई, घर में छूँ मैं अभी तो फिलहाल। लेकिन उन्होंने बहुत करते रहते हमेशा 15 दिन में 20 दिन में आके टॉर्चर करते रहते, मैं तब भी खामोश बढ़ जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती। आप देखो तो 2 साल के आज से मैं आके रह रही हूँ बोल के बोले। तो मैं ससुरे से बात कर रही थी, ससुरे बोले नहीं रहते, 4-8 दिन रह के चले आते बोल के हमको ये बोले। बाद में से क्या करे बोल के बोले तो नहीं सामान ला रहे हम रह रहे हैं वो बोले। तो मैं बोली मेरे को नहीं बोले ना बोले तो आके मेरे को मारम तोड़ी करे, फुल मारे मेरे को। मैं को मारे तो मैं क्या करी, सीधा पुलिस स्टेशन को चले गई, जाके वहाँ पर कंप्लेंट लिखाई। तो वहाँ से मेरे को सीधा उस्मानिया को भेजे, उस्मानिया को भेजे तो मैं वहाँ पर से पूरा ट्रिप टेस्ट आए ले लेके आई, वहाँ से जजी खाने को भेजे, ले लेके आके मैं घर को बैठी। साहब सुबह में आओ बोले, सुबह में बुला के क्या करे, सुन रहे नहीं हमारी, उन लोगों की सुन रहे, पहले कंप्लेंट मेरी है लेकिन मेरे को सुन रहे नहीं, पहले कंप्लेंट तो तीर मारी क्या पूछ रहे मेरे को, बदतमीजी पाना कर रहे, मेरे शौहर के साथ भी बदतमीजी पाना कर रहे, बात से पहले मेरे शौहर को अंदर डालो बोल रहे, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे देख के डर रहे उनको, अंदर डालो बोले तो बाबा को चिपक जा रहे, बात सीधी नहीं करे। गाली कौन दिया पीएस में? उन्होंने साहब बोले वो एक तारे वाले साहब, क्या नाम है उनका, उनका नाम क्या है, अरशद अली साहब है उनका नाम, अरशद अली साहब है उनका नाम, मुसलमान के छे, उन्होंने दोनों की नहीं सुन रहे लेकिन उनकी सुन रहे, उन जो बोल रहे लिखते जा रहे, मेरा लिखो बोल के बोले तो मेरे को बाजू की ठहरो बोल रहे, बहुत इशारे बाजू की ठहरो बोल रहे, मेरी कुछ भी सुन रहे नहीं, और मेरे को 8 दिन में खाली कर देना बोलकर टाइम दे रहे, मैं प्रेगनेंट हूँ, 8 दिन में सामान उठा के कहाँ जाऊँ मैं। ये जो घर आपको खाली करो बोल रहे, ये घर किसका है? मेरे ससुरे का है जी, उन्होंने भी वही बोल रहे खाली कर दो बोल के बोल रहे, मैं 8 साल से वही शादी करे जब से, मैं एक बार भी बाहर नहीं गई। ससुरे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ननंद ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को नंदा भी टॉर्चर कर रहे, नंदा टॉर्चर कर रहे मेरे को आके, ये नंदा कर रहे, ये सब कर रहे, सो मेरे 4 नंदा मिलकर कर रहे, शमीम शाहीन आसिया नाजिया ये 4 जने मिलके कर रही है। तो आप जाके और में जाके मैं कंप्लेंट लिखाई, मैं कंप्लेंट लिखा है, कंप्लेंट लिए मेरी, कंप्लेंट लेके मेरे को दवाखाने को सब भेजे। सुबह में आओ बोले, सुबह में बुला के क्या कर रहे बोल के बोले तो ऐसा कर रहे कि मेरी सुन रही नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ बातें करते जा रहे, उशारे वो है ये है बोल के बातें करके हम गालियां देके काल दे रहे, अरी तुरी ये सब बोल दे रहे, कुछ भी सुन रही नहीं हमारी। हमने क्या उसके बाद वहाँ से हम लगा निकल के आ गए वहाँ से, नहीं बोले साहब को हम लगा हम जा रहे बोल के भी नहीं बोले। मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं आई, मेरे बच्चों को ले लेके घर को आ गए, घर के मेरे बच्चों को कुछ भी कर लेंगे अपन बोल के बोले, कुछ भी कर लेंगे बोले तो नहीं होता, हिम्मत से काम करेंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं प्रेगनेंट हूँ बोल के मैं मेरे मर्द को हस्बैंड को समझा के मेरी माँ के घर में आ गई। पुलिस वाले आए तो मैं बात करती हूँ बोल के आ गई, मैं इज्जत नहीं दे रहे हमको और हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, ऑप्शन कुछ भी नहीं उठा रहे हमारे खिलाफ, सब जो भी है उनकी सुन रहे। तो कानून का क्या से बना भाई, दो तरफ की सुनने क्या से बना, तो क्या हमारी नहीं सुनते, हम नहीं है क्या इंसान, हमारी भी तो सुन सकते ना। मारे बोल के बोले तो बस्ती वालों से पूछो, पुलिस वालों को भेज के बोले तो वो भी नहीं कर रहे, बहुत इशारे खामोश थर कहाँ की पैदाश है ये सब कर रहे, कानून क्या ये सब पूछने क्या से बना, पैदा कहाँ हुए वो हुए क्या बोलने क्या से नहीं बना भाई, कानून ये सब मेरे साथ लैंग्वेज टेढ़ी टेढ़ी कर रहे हो। मैं निकल के आ गई, जो होता देखा जाता, मैं अगर ज़्यादा ऐसा कुछ भी करे बोलते मैं मेरे बच्चों को ले लेके कुछ भी कर लेती हूँ, उसके जिम्मेदार 4 नंदा मेरा ससुरा और मेरा जेठ भी है, मेरा जेठ पहले साथ में दिया फिर बाद में से वहाँ जाके मेरा हाथ छोड़ दिया। हाँ पहले बोला मेरा जेठ नको उतारो ननन को, मैं बोल रहा हूँ मेरा रूम है मेरे ननन मेरे रूम की देखभाली करो बोला, और वहाँ पर बोलो तो क्या कर रहा जेठ मेरा, खामोश बढ़ जा रहा कुछ भी नहीं बोल रहा मेरा जेठ वहाँ पर।
तो मेरा जेठ, मेरा ससुरा और ये मेरे चांद नंदा मिलके मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे। अगर मैं कुछ भी कर लूँगी, मेरा बच्चा, मेरा शौहर, मैं मिलके कुछ भी कर लेंगे तो उसके जिम्मेदार उल्लंघा है और कानून है, बस उसके हट के और कोई नहीं है।